हाय फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 15 को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में विस्तृत चर्चा की, उसके इतिहास के बारे में जाना, उसके निर्माण के बारे में जाना, उसके दर्शनीय स्थलों के बारे में जाना, तो आज का जो हमारा विषय है वह है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की जब हम बात करते हैं तो रणथंभौर दुर्ग अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। उसका कारण यह है कि रणथंभौर दुर्ग गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है, और दोनों श्रेणियों में आने के कारण ये जो एक इतिहासकार हुए थे अबुल फजल, इन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और रणथंभौर दुर्ग बक्सर बंद है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, चारों तरफ पहाड़ियां एक दीवार का काम करती हैं, एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं, इसलिए इस रणथंभौर दुर्ग को बक्सर बंद दुर्ग कहा गया है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है। अब दुर्गाधिराज का मतलब दुर्गों का राजा। अब दुर्गों का राजा के साथ साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया है, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया है और रणथंभौर दुर्ग को दुर्गों का राजा कहा गया है, दुर्गाधिराज कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में इसको एक उपनाम और दिया गया है रणथंभौर दुर्ग को, वो यह है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जैसा उसकी उपमा चित्तौड़गढ़ दुर्ग से की गई है, इसलिए उसको उसका छोटा भाई माना गया है। तो इसके जब उपनाम की हम बात करते हैं तो क्या है उपनाम? चित्तौड़ गढ़ दुर्ग का छोटा भाई, यानी कैसा माना जाता है? इसकी तुलना किससे की गई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, जो कि एक अपने आप में ही बहुत सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। दूसरा इसका नाम दिया गया है दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज, और दुर्गाधिराज का मतलब है होता है दुर्गों का राजा, दुर्गों का राजा। वो भी संज्ञा किसको दी गई है? रणथंभौर दुर्ग को दी गई है, यानी कि रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई कहा गया है। रणथंभौर दुर्ग अपने आप में आन बान शान, यानी कि हम्मीर देव की आन बान शान का प्रतीक है। हम्मीर देव की आन बान शान का प्रतीक इसलिए है क्योंकि रणथंभौर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसमें राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था, जो कि 1301 ईस्वी में हुआ था। और जब प्रथम शाका हुआ था 1301 ईस्वी में, तो उस समय हम्मीर देव यानी रणथंभौर पर जो आक्रमण करने वाले थे वो मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव पर आक्रमण किया था, तो ऐसी स्थिति में हम्मीर देव पराजित हुए थे, और हम्मीर देव का पराजित होने का एकमात्र जो कारण था वो ये था क्योंकि वो शरणागत को शरण देने वाले और हट के नाम से प्रसिद्ध हैं। हट के नाम से प्रसिद्ध होने के कारण उनके बारे में कहा भी जाता है कि सिंह सोन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। कहने का मतलब वो इतने हटी थे कि उन्होंने अपने शत्रु पक्ष के शरणागत को, यानी कि शत्रु पक्ष के शरणागत आए हुए थे जो उसके अलाउद्दीन खिलजी के कौन थे, सेनापति थे, और उन सेनापतियों को अपने शरण में लिया, तो ऐसी स्थिति में उसको पराजित होना पड़ा। और दूसरा जो कारण था इसका यह था कि जो खुद हम्मीर के जो सेनापति थे, एक का नाम रतिपाल था और दूसरे का नाम रणमल था, उन दोनों सेनापतियों ने भी हम्मीर के साथ धोखा किया था,
और धोखा करने के कारण हम्मीरदेव को पराजित होना पड़ा। तो कहने का मतलब जो हम्मीरदेव है वो हट के लिए माने जाते हैं। और इनकी अब रणथंभौर दुर्ग के बारे में और क्या कहा है, एक गौरीशंकर ओझा इतिहासकार हैं, गौरीशंकर ओझा ने रणथंभौर के बारे में कहा है कि रणथंभौर दुर्ग एक अंडाकार दुर्ग है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल, अबुल फजल ने इनके बारे में कहा है कि सभी अन्य दुर्ग नंगे हैं और रणथंभौर दुर्ग बक्सर बंद है। तो कहने का मतलब गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा ने रणथंभौर दुर्ग को अंडाकार रणथंभौर दुर्ग को अंडाकार आकृति का माना है। इसके अलावा जो अबुल फजल हैं उन्होंने क्या कहा है इनके बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल के अनुसार रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ पहाड़ियां हैं जो कि दुर्ग के दीवार के रूप में सुरक्षा करती है, इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा है। अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। बख्तर बंद से तात्पर्य है दोस्तों यानी कि कवर, जो सुरक्षा कवच हो जिसमें, और सुरक्षा कवच क्या है, वहां की चारों तरफ जो दीवार का काम करने वाली पहाड़ियां, तो ऐसी पहाड़ियां होने के कारण यानी कि रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ पहाड़ियां हैं जो कि दुर्ग के दीवार के रूप में सुरक्षा करती हैं, इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा है अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बक्सर बंद है। तो ऐसा किसने कहा है, इतिहासकार अबुल फजल ने कहा है। इसके अलावा जो ये दुर्ग है वो हम्मीरदेव की आन बान शान, हम्मीरदेव की आन बान और शान का एक उदाहरण है, क्योंकि इस और आन बान शान का उदाहरण है। इसके साथ ही ये कैसा है, गिरी दुर्ग है और बंद दुर्ग है और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है।
अब इसमें आन बान शान का जो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है अम्बिक देव का रणथंभौर दुर्ग, वो इसलिए है क्योंकि राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में वो इसी दुर्ग में हुआ था, यानी कि राजस्थान का प्रथम शाखा इसी दुर्ग में हुआ था, और कब हुआ था 1301 ईस्वी में। अब राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में, इसकी इसके जो आक्रमणकारी थे वो कौन थे? आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंभौर के शासक थे हम्मीर देव, हम्मीर देव। अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजयी हुई थी, विजयी कौन हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि, जिनका नाम था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इन्होंने इस युद्ध का सजीव और सचित्र वर्णन किया था, आंखों देखा हाल इसने वर्णन करने के पीछे इसकी वजह यह रही थी कि क्योंकि इसने आंखों देखा हाल का सचित्र वर्णन किया था, क्योंकि ये युद्ध के समय स्वयं थे अलाउद्दीन के साथ, तो उनके वो कौन थे? दरबारी कवि थे, और जिनका नाम था अमीर खुसरो। अब बात आती है हम्मीर देव की पराजित होने की। इसमें पराजित कौन हुए थे? हम्मीर देव। और हम्मीर देव पराजित होने के पीछे वजह रही थी इसके जो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, जो सेनापति थे उनका नाम था मीर मोहम्मद साहा, और इनकी इनकी मराठा बेगम चिमना। ये इन दोनों को ही हम्मीर देव ने क्या दी थी? शरण दी थी। हम्मीर देव ने इन दोनों को शरण दी थी। सबसे महत्वपूर्ण वजह पराजित होने की हम्मीर देव की क्या थी? कि मीर मोहम्मद शाह और इनकी मराठा बेगम चिमना को शरण दी थी। इसके अलावा पराजित होने का एक कारण और था कि जो हम्मीर देव के सेनापति थे, सेनापति ये तो किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन के सेनापति थे, सेनापति मीर मोहम्मद शाह और मराठा बेगम चिमना, ये थे अलाउद्दीन के सेनापति, और हम्मीर देव के सेनापति थे रतिपाल और रणमल, यानी कि रतिपाल और रणमल इन दोनों ने ही हम्मीर के साथ धोखा किया था, और हम्मीर के साथ धोखा करने के कारण ये इस युद्ध को हार गए थे, जिसमें जिसमें रानियों ने क्या किया था? जौहर किया था। ऐसी स्थिति में हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध है ये 1301 ईस्वी का, वो राजस्थान का प्रथम शाखा है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध माना जाता है ये, और जो कि राजस्थान का कैसा है? प्रथम शाखा है। राजस्थान के अंतर्गत जो रणथंभौर दुर्ग है इसके मुख्य निर्माणकर्ता कौन? जब निर्माणकर्ता की बारी आती है तो इनके जो निर्माणकर्ता हैं, यानी कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सपाल दक्ष, सपाल दक्ष के चौहान
शासक, चौहान शासक रणथंभन ने, यानी सपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभन ने सन 944 ईस्वी में किया, ईस्वी में निर्माण किया था। कहने का मतलब जो रणथंभौर दुर्ग है इसका जो निर्माण किया था वो सपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभन ने, और कब किया था, सन 944 ईस्वी में निर्माण किया था। नेक्स्ट बात आती है इसका जो शरणागत होने के बारे में जो एक पंक्ति प्रसिद्ध है वो है सिंह सुवन, यानी हम्मीर देव के बारे में प्रसिद्ध है ये। हम्मीर देव की हार का जो मुख्य कारण था वो क्या था, शरणागत को शरणागत को शरण, यानी कि शरणागत को शरण देने के कारण, यानी वो इस टाइप के व्यक्ति थे, इस टाइप के शासक थे कि वो शरणागत को शरण देकर ही माने और अपनी हट के पीछे वो युद्ध हार गए थे। इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है इनके बारे में कि सिंह सुमन सत पुरुष वचन, सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, कदली फले एक बार त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। कहने का मतलब इनके बारे में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। ये किनके बारे में कहा जाता है, हम्मीर देव के बारे में कहा जाता है। यानी सिंह सुवन जंगल का राजा एक होता है और वो होता है शेर, उस शेर को कभी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा अकेला ही शिकार करता है। तो सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सज्जन पुरुष हमेशा एक वचन बोलता है, वो अलग अलग वचन नहीं बोलता है, वो कभी अपने वचनों से मुकर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सतपुरुष वचन हमेशा कैसे होते हैं, एक होते हैं। और कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, कदली का तात्पर्य होता है दोस्तों केला, और इस केला के पेड़ की एक विशेषता होती है कि कदली फले एक बार, केला का पेड़ हमेशा एक बार ही फल देता है। तो कहने का मतलब वो भी एक बार के लिए ही प्रसिद्ध है। और त्रिया तेल हम्मीर हट, त्रिया तेल, त्रिया का मतलब होता है दोस्तों स्त्री, जब स्त्री की शादी होती है तो यानी कि उस पर तेल भी एक बार चढ़ता है, तो त्रिया तेल हम्मीर हट। और इन सब की तुलना किससे की गई है, हम्मीर हट से की गई, यानी कि हम्मीर जो हट है वो सब कैसा है, यानी इस टाइप का है जैसा कदली का पेड़ एक बार फल देता है, जैसे सतपुरुष के वचन होते हैं, जैसे त्रिया का तेल होता है वो एक बार चढ़ता है, ऐसे हम्मीर का हट होता है, वो यदि किसी हट को कर लेता है तो वो उसको पूर्ण करके ही रहता है। तो ये किसके बारे में कहा गया है,
हम्मीर के बारे में कहा गया है, जो कि रणथंभौर के शासक थे। हम्मीर देव के बारे में एक और प्रसिद्ध बात है, वो यह है कि हम्मीर देव ने रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। यानी कि हम्मीर देव ने रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, और वो निर्माण करने के पीछे जो हम्मीर देव की वजह थी वो ये थी कि उसके जो पिता थे हम्मीर देव के, जिनका नाम था जैत सिंह, तो जैत सिंह की याद में हम्मीर देव ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, और वही 32 खंभों की छतरी एक न्याय की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत जो 32 खंभों की छतरी है वो न्याय की छतरी के नाम से जानी जाती है। तो कहने का मतलब रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण हम्मीर देव ने अपने पिता जैत सिंह की स्मृति में करवाया था, जिसे वर्तमान में न्याय की छतरी के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण हम्मीर देव ने अपने पिता जैत सिंह की स्मृति में करवाया था, जिसे वर्तमान में न्याय की छतरी के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।